हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई सा भी पानी अपन कैसे भी नहीं पी सकते। ठीक है, आप बोर का पानी पीते हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होती तभी आप पानी पीते हो, है ना। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आप पीते ही नहीं पानी। तो वो क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ के लिए, ह्यूमंस के लिए, और आपके पशु पक्षी के लिए भी आपका वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो उसी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे कैसे होनी चाहिए, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसको अपन एक एक करके कवर करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में पहला टॉपिक ये रहेगा हमारे पास, तो जो अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है, देखो यहाँ पे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर का क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। डोमेस्टिक यूज़ मतलब होता है घरेलू, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, आपके घर में अगर कोई सा वाटर सप्लाई हो रहा है पीने के लिए, तो उस वाटर का क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कैसा कैसा आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए डोमेस्टिक यूज़ के लिए। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो एक एक करके रिक्वायरमेंट जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेगा सब देखते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट यही है हमारा, देखो पहला रिक्वायरमेंट बहुत ही एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आप इसको सोचोगे समझोगे तो आप सबके सब आपको ये पता चलेगा और क्या लिखना है आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि पहला टॉपिक, पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है, इट शुड बी कलरलेस। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं ये, इट शुड बी कलरलेस मतलब आपका जो वाटर है वो कलरलेस होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको कोई सा वाटर दे दूँ और उसका कलर आपको थोड़ा ब्राउनिश दिख रहा है, थोड़ा रेडिश दिख रहा है, तो क्या आप उसको पियोगे, नहीं पियोगे। आप लोग कलर देख के उस पानी का आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए हमारे वाटर क्वालिटी का, कि इट शुड बी कलरलेस, कलरलेस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और इसमें आप ये भी लिख सकते हो, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल। क्या बोल रहा हूँ, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब इसमें किसी भी प्रकार का सस्पेंडेड पार्टिकल, धूल मिट्टी कण नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग इसको देख के ही बता सकते हैं। तो ये इसका पहला रिक्वायरमेंट है। इसके बाद और सेकेंड देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोलते हैं, इट शुड बी गुड टेस्ट फ्री फ्रॉम ओडोर। क्या बोल रहा है ये, इट शुड बी गुड टेस्ट। ठीक है, मतलब जब भी आप पानी पीते हो तो टेस्ट थोड़ा ठीक रहता है ना, कड़वाहट नहीं होती है, थोड़ा ख़राब पानी टाइप का स्वाद भी अलग रहता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपका जो वाटर रहेगा उसका टेस्ट सही रहेगा। प्लस कई सारे वाटर अगर पुराने हो जाते हैं तो उसमें अलग टाइप का स्मेल आने लग जाता है। ठीक है, उस वाटर से क्या आएगा, स्मेल आएगा, तो आप उसको सूंघ के भी बता सकते हो कि वो वाटर अच्छा नहीं है ना। तो ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए इसका वाटर का रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, इट शुड बी रीजनेबली सॉफ्ट। रीजनेबली सॉफ्ट मतलब क्या हो रहा है, आपका वाटर अगर सॉफ्ट रहेगा तभी उसमें झाग वाग आते हैं, है ना। आपने पहले पढ़ा होगा कि एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर रहता है, हार्ड वाटर में झाग कम आता है, बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो हमारा जो वाटर आएगा हमारा घर में डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो भी पानी आएगा वो आपका रीजनेबली सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, इट शुड बी प्लेंटीफुल एंड चीप। प्लेंटीफुल मतलब इट शुड बी मतलब अधिक मात्रा में होना चाहिए, जो भी अपन वाटर सप्लाई लेने वाले हैं, जो भी क्वालिटी ऑफ वाटर से जो वाटर आएगा उसकी जो मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति को एक दिन के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि एक मनुष्य को, एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी की आवश्यकता होगी, उस हिसाब से मतलब आपको जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और चिप सस्ता होना चाहिए पानी, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन सस्ता ही रहता है बाकी अगर आप महंगा महंगा नहीं जाओगे तो। इसके बाद देखेंगे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, कोई सा भी वाटर कैसा भी हो लेकिन उससे बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, है ना। बैक्टीरिया होगा तो क्या होगा, आपको बीमारी हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, ये बहुत सारी बीमारी हो सकती है अगर आपके वाटर में बैक्टीरिया होगा तो, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनल डिजोल्व गैसेस। मतलब वही बता रहा था आप लोगों कि आपके वाटर में किसी भी प्रकार का अगर थोड़ा बहुत भी स्मेल आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो वाटर सही नहीं है और आपको उसको नहीं पीना है ना। तो आपको सबसे पहले वाटर जब देखते हो, पानी ओपन जब देखते हैं, तो पानी ओपन कैसे देखना है, पहले इसको ऐसे देखना है, ठीक है, कि इसका कलर तो ठीक है ना, कलर सही लग रहा है। उसके बाद इसको थोड़ा खोल के अपन क्या करेंगे, थोड़ा स्मेल लेकर देखेंगे, स्मेल भी सही आ रहा है, मतलब उतना गंदा टाइप स्मेल नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपका जो वाटर पीने योग्य है ना, पानी क्या है आपका, पीने योग्य है। इस प्रकार से आप इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद सेवन पॉइंट है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल सॉल्ट्स।
आपका जो वाटर रहेगा वो कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल सॉल्ट्स, मतलब हानिकारक नमक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका समुद्र का पानी, समुद्र का पानी आप लोग नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है ना। तो इसी प्रकार हमको जो आपका जो क्वालिटी वाटर रहेगा वो फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स होना चाहिए, है ना। हम लोग नमकीन पानी नहीं पियेंगे क्योंकि वो एक्सेसिव अमाउंट में खारा रहता है, ठीक है। खारा पानी अपन पियेंगे तो बॉडी को हमारा इफेक्ट करेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, आपका जो वाटर रहेगा फ्री फ्रॉम सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आठवां पॉइंट क्या बोलता है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल मिनरल्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं मिनरल्स, देखो यहाँ पे एक थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता है कि सब बोलते हैं कि मिनरल वाटर पीना चाहिए, मिनरल वाटर पीना चाहिए, लेकिन मिनरल वाटर की जो अमाउंट है एक वाटर, अगर आप लोग कोई सा भी अगर आपके घर में कुछ भी वाटर प्योरीफायर होगा तो उसमें जो मिनरल का अमाउंट है एकदम एग्जैक्ट आता है ना। मिनरल जितना चाहिए आपको उतना ही वो उसको सही तरीके से कैलकुलेट करके आपको पानी देगा, लेकिन वहीं पे अगर मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं पहले, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल मिनरल्स सच एज आयरन, मैंगनीज, लेड, आर्सेनिक, अदर पॉइजनस मेटल्स, ठीक है। ये सब जो पॉइजनस मेटल के जो मिनरल्स हैं वो आपके वाटर पे नहीं होना चाहिए, और जब भी आप मिनरल वाटर पिए तो एकदम सही कैलकुलेट आपका मिनरल वाटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपन बोतल वोतल देखते हैं, ठीक है, कोई सा भी आपका बिस्लरी, कोई सा भी बड़े बड़े कंपनी के जो वाटर बोतल्स हैं उसमें एडेड मिनरल्स लिखा होता है, ठीक है। एडेड मिनरल्स मतलब एकदम सही क्वांटिटी में आपका मिनरल ऐड है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना ही रहेगा। उसके बाद बोलता है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब आपका जो वाटर है फ्री फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होना चाहिए। रेडियो एक्टिव मतलब जो भी न्यूक्लियर पदार्थ होता है ना, जैसे कि कई सारे जो प्लांट हैं हमारे भारत में ही बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो समुद्र के पास हैं, है ना। तो वहाँ का जो वाटर हो सकता है रेडियो एक्टिव वाटर हो, और वैसे वाटर को हमको नहीं पीना है। अगर वैसे वाटर आप पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा आपके बॉडी में, और आपके आने वाले साथ उससे भी उस इफेक्ट से प्रभावित रहेगी, है ना। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान देना है, क्लियर है यहाँ तक का। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो भी अच्छा लगे नंबर वाइज लिखना है अपने को। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो 6 पॉइंट लिख देंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है तो 11 पॉइंट लिख देंगे, एक एक्स्ट्रा लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या पढ़े अभी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, ये आपका पहला टॉपिक था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। इसमें देख आपको पहले कुछ इमेज दिखा देता हूँ जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में, कुछ कुछ इमेज था, ठीक है। वाटर क्वालिटी के बारे में इमेज है, जैसे कि इम्प्योरिटीज़, इसके बारे में बताऊँगा अभी आपको इम्प्योरिटीज़ क्या चीज़ है। जैसे कि ये आपको ये जो पानी दिख रहा है, क्या आप इसको पी सकते हो, ठीक है। दिखने में ही कैसा दिख रहा है आपको, दिखने में ही ये आपको कैसा दिख रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। दिखने में ही क्या दिख रहा है, ये गंदा दिख रहा है ना, इसका कलर अलग टाइप का दिख रहा है। तो अगर मैं आपको ऐसा वाटर दूंगा जिसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो आप पानी नहीं पियोगे, है ना, कॉमन सेंस है। प्लस इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे इसमें कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे जो पानी को गंदा कर रहे हैं, है ना, मटमीला कर रहा है। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या उसका इंजीनियरिंग टर्म यूज़ होगा, ठीक है, जो अपन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ये जो गैसेस हैं आपके डिजॉल्व गैसेस होते हैं आपके वाटर में भी, वो गैसेस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वाला है, जैसे मैं बता रहा था कई सारे जो बहुत सारे वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो समुद्र के या नदी वदी के बगल में होते हैं, तो वहाँ का जो वाटर होता है, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव उस वाटर में घुल जाता है और हमारे बॉडी जानवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। तो इम्प्योरिटीज़ इन वाटर देखते हैं, इम्प्योरिटीज़ इन वाटर क्या क्या होते हैं देखो। तो कुछ कॉमन इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारे वाटर में पहले से रहती है, ठीक है, वही इम्प्योरिटी कम से कम होनी चाहिए हमारे वाटर में, तभी वो वाटर पीने योग्य है, ठीक है, फॉरवर्ड ड्रिंकिंग पर्पज से अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ मतलब ये सब इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, कम से कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इम्प्योरिटीज़ इन वाटर में आपके पास 3 इम्प्योरिटी आपको दिख रही होगी। पहला जो है आपको सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ दिख रहा है, सेकेंड है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़, थर्ड है कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में मैंने आपको बताया, जैसे कि एक वाटर का जो गिलास आपको दिख रहा है, ये इसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल है। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब ऐसे
पदार्थ जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं वो पानी में मौजूद रहते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं। जो हमें दिख रहे हैं वही क्या आपका सस्पेंडेड पार्टिकल है। जैसे कि आपके किसी पानी के मग में, गिलास में अगर आप थोड़ा सा रेती डाल दोगे तो वो जो रेती है वो बैठ जाएगा या उसी पानी में रहेगा, घुलेगा नहीं, है ना, मतलब वो सस्पेंडेड पार्टिकल है। तो वही चीज़ अपन देखेंगे, आपका जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, आपका वाटर क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आर दोस विच नॉर्मली रिमेन्स इन सस्पेंशन। नॉर्मली रिमेन्स इन सस्पेंशन मतलब वो पानी में हमेशा मौजूद ही रहेगा, वो पानी से कहीं जाएगा नहीं जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मेक वाटर टर्बिड। टर्बिड मतलब मटमेलापन, ठीक है। टर्बिड मतलब क्या होता है, मटमेलापन। जैसे कि अभी आपको ये जो वाटर दिख रहा है मटमेला पानी टाइप दिख रहा है, ठीक है, मिक्स मतलब पूरा मिक्स हो गया, उसमें आपका सॉइल मिक्स हो गया है, गिट्टी आपके कण मिक्स हो गए, सब मिक्स हो गया, तो उस वाटर को अपन क्या बोलते हैं, टर्बिड वाटर, मटमेला पानी बोलते हैं। जैसे कि पानी गिरता है, ठीक है, जब रेनफॉल होता है तो कई सारे रोड में पानी जमा हो जाता है, तो वही क्या होता है, टर्बिड वाटर रहता है एक प्रकार से, आप समझ सकते हैं, पूरा ब्राउनिश वाटर हो जाता है ना, तो वो उसको अपन टर्बिड वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, जैसे कि पहले आप इस चीज़ को समझना कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, मैंने आपको क्या बताया था, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब ऐसे इम्प्योरिटीज, ऐसे पार्टिकल्स जो पानी में हमेशा मौजूद रहेंगे, जो आपको दिखेंगे, जिसके कारण वाटर टर्बिड हो जाएगा, वाटर मटमेलापन, पानी मटमेलापन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे इम्प्योरिटीज अपन क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बोलेंगे। लेकिन डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज मतलब क्या होता है, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज मतलब आपका जो इम्प्योरिटीज है वो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होगा, पूरा पानी में अच्छे तरीके से घुल जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे इम्प्योरिटीज जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज बोलेंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। इसको पढ़ना यहाँ से देखो, माउस दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। तो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज आर नॉट विजिबल बट दे आर लार्ज सिंस वाटर इज गुड सॉल्वेंट, द कॉज बैड टेस्ट, हार्डनेस एंड एनकलरिटीज, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज विजिबल नहीं होते हैं, आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा, आपको इसके टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पानी साफ होगा, पानी में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे, बहुत सारा गंदगी होगा, उसके कारण आपका पानी में, पानी का जो टेस्ट रहेगा, टेस्ट स्वाद रहेगा वो बेकार रहेगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी और आपको थोड़ा खट्टा खट्टा भी लग सकता है अगर आपका उसमें डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज मिला है तो, ठीक है। तो ये होता है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। इसके बाद है आपका कोलाइडल इम्प्योरिटीज। कोलाइडल इम्प्योरिटीज क्या होता है, कोलाइडल इम्प्योरिटीज मतलब ऐसे इम्प्योरिटीज जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, कई सारे इम्प्योरिटीज ऐसे होते हैं, कुछ सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेगा, और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के कारण जो भी प्लस इम्प्योरिटीज है या माइनस इम्प्योरिटीज है उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और वो एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में कोलाइडल इम्प्योरिटीज, कोलाइडल इम्प्योरिटीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, ड्यू टू दिस कोलाइडल पार्टिकल्स यूजुअली वेरी स्मॉल इन साइज, रिमेन इन कॉन्स्टेंट मोशन, डू नॉट सेटल, ठीक है। क्योंकि कोलाइडल इम्प्योरिटी इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, अगर उसके पास उससे चिपकने वाले पदार्थ नहीं है तो वो सस्पेंशन के फॉर्म में ही रहेगा और पानी में नीचे सेटल नहीं होगा, वो पानी में ही घुलते रहेगा, घूमते रहेगा, लेकिन पानी में सेटल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका कोलाइडल इम्प्योरिटीज, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास कितने प्रकार की इम्प्योरिटीज हैं, तीन इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ऐसा इम्प्योरिटी जो पानी में घुलनशील नहीं है वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, और डिजॉल्व इम्प्योरिटीज के उसे बोलते हैं ऐसा इम्प्योरिटीज, ऐसा मिनरल, ऐसा इम्प्योरिटीज जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होगा उसे अपन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बोलेंगे। उसके बाद कोलाइडल इम्प्योरिटीज, ऐसा इम्प्योरिटीज जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा उसको अपन कोलाइडल इम्प्योरिटीज बोलेंगे। ये इसकी साइज़ बहुत ही कम होती है, अगर इसके पास आसपास इसके चिपकने वाले पदार्थ नहीं होंगे, कोलाइडल इम्प्योरिटीज जो इसका प्लस साइन होता है, माइनस साइन होता है, एक दूसरे चिपकते हैं, है ना, अगर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो इससे जो अट्रैक्ट होने वाले इम्प्योरिटीज हैं, पदार्थ हैं, वो इसके साथ चिपकेंगे, अगर नहीं होंगे तो वो सस्पेंशन के फॉर्म में ही रहेगा, पानी में सेटल नहीं होगा, ठीक है, बैठेगा नहीं ये चीज़। तो ये है आपका सस्पेंडेड, डिजॉल्व और कोलाइडल इम्प्योरिटीज। इसके बाद, ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में क्या क्या आता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में बैक्टीरिया आता है, उसके कारण आपको कुछ बीमारी हो सकती है, एल्गी और प्रोटोजोवा, उसके कारण क्या होगा, अगर आपके वाटर में एल्गी या प्रोटोजोवा है तो पानी की
जो स्मेल है वो गंदी आएगी, कलर ख़राब हो जाएगा और वो जो पानी है वो मटमेला हो जाएगा, है ना। वही लिखा हुआ है एल्गी में ओडोर, कलर और टर्बिडिटी। उसके बाद सिल्ट, मल्किनेस और टर्बिडिटी। अगर आपके वाटर में सिल्ट है, मिट्टी के कण है, तो आपका वाटर मटमेला हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखता है ना। और डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ में ऐसे कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है, वो है सॉल्ट। सॉल्ट आपके घर में जो नमक होगा, नमक को अगर आप किसी गिलास में मिलाते हो तो वो पूरी तरीके से मिल जाता है पानी में, ठीक है। आपको चलेगा ही नहीं पता कि उसमें नमक मिलाए हैं हम लोग। जब उसको अपन टेस्ट करेंगे तब हमको समझ आएगा कि ये जो पानी है वो नमकीन पानी है ना। तो आपको जो सॉल्ट होता है वो एक प्रकार क्या है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ है, पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है, ठीक है। फिर सॉल्ट के यहाँ पे और भी पदार्थ हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। इसके कारण क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में, इफेक्ट्स, ठीक है। तीते सारे आपके पास डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं, सभी के सभी क्या होंगे, पानी में अच्छे तरीके से घुलनशील होगा, है ना। आपको चलेगा ही नहीं पता बिना ये सब देखे, बिना मतलब उसको टेस्ट किए, बिना देखे, बिना टेस्ट किए अपन नहीं बता सकते कि उसमें क्या चीज़ मिला हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसका इमेज आपको मैं दिखा रहा था, ये इमेज है इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। बहुत सारे इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, जैसे कि आपके पानी में बैक्टीरिया होगा, वही प्रकार की इम्प्योरिटी है, सोडियम, नमक, क्लोरीन, वायरसेस हो सकते हैं जो डिजोल्व होंगे पूरी तरीके से, आपको नहीं दिखेगा, डिजोल्व सॉलिड्स, इम्प्योरिटी, वेस्टेज, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं आपके कौन कौन से इम्प्योरिटीज होते हैं, सस्पेंडेड, डिजोल्व एंड कोलाइडल इम्प्योरिटीज़, ठीक है। बैक्टीरिया है इस पानी में, है ना, लेकिन हमको चलेगा नहीं पता जब तक। अगर बैक्टीरिया वाला वाटर क्या रहता है, अगर आप उसको पी देते हैं तो पीने में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको क्या होगा, तबीयत खराब हो जाता है, आपको बुखार आ जाएगा, सर्दी खांसी हो जाएगी, या पीलिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमको पानी एकदम सही पीना है, ठीक है, कहीं का भी पानी नहीं पीना चाहिए आपको। जब भी पानी पियोगे थोड़ा सा पानी आपको निकालना, देखना कलर कैसा है इसका, टर्बिड वाटर तो नहीं है, कुछ इसमें पार्टिकल्स तो नहीं है, या इसका टेस्ट तो गंदा तो नहीं आ रहा है। अगर ये सब आपको समझ आता है तो आप बिल्कुल वो पानी मत पीना, ठीक है। ये सब आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्लियर है। ये डिजोल्व गैसेस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद वाली जो क्लास रहेगी वो बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी, उसमें अपन लोग जो हमारे वाटर को किस किस प्रकार से टेस्ट करेंगे उसके बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी तो बस हमने समझा है कि आपके डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर का क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए और कौन कौन से प्रकार की इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन हम लोग वाटर का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किस किस प्रकार से अपन वाटर का टेस्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी जो पढ़े हैं उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, या जिनके पास मेरा नंबर होगा वो बिल्कुल मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।